बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने आज का बिग बॉस का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। दरअसल आज के एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा कि अनूप जालोटा बिग बॉस के घर में वापस आ गए हैं और वो घर के सदस्यों से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो जसलीन और सौरभ के रिश्ते को लेकर बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, जिससे जसलीन और सौरभ दोनों को बुरा लगता है। बेचारे सौरभ तो इतना टूट जाते हैं कि वो रोने लगते हैं और शिवाशीष उन्हें समझाते हैं कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया। तो सौरभ कहते हैं, लेकिन यार बाहर इमेज क्या रही होगी मेरी यार। सौरभ से अनूप जी कहते हैं, लड़की की मसाज कर रहा है, सही है, सही गोरी पटाई है तूने। तो जसलीन इस पर कहती हैं, अनूप जी मैं सौरभ को भाई बुलाती हूँ। तो अनूप जी कहते हैं, तो क्या हुआ, दिन में भैया और रात में सैया। जिसके बाद आपने देखा कि अनूप जी की बातें सुनने के बाद सौरभ घर के बाकी सदस्यों के पास जाते हैं और उन्हें अनूप जी की मेंटालिटी और उनकी कही हुई बातों के बारे में बताते हैं। तो इस पर सोमी गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं, तू टेंशन मत ले, इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट फील मत कर, हम तेरे साथ हैं, तेरे लिए और जसलीन के लिए हम स्टैंड लेंगे। अनूप जी ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, अगर वो बाहर इतना कुछ देख के आए तो यहाँ पर आके कुछ भी बोलेंगे, उनके मन में आएगा वो करेंगे वो नहीं, तो टेंशन मत ले। इसके बाद सोमी और सभा बैठकर बातें करते हैं। तो सोमी कहती हैं, अनूप जी ने यहाँ पर जसलीन के बारे में इतना कुछ कहा, यहाँ पर कैमराज हैं, उनके सोचकर उन्होंने बस यही कहा कि तुम फैशन परेड कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। सोचो अगर वो बाहर होते तो जसलीन से न जाने क्या कह देते, वो क्या कुछ कह देते उसे। कुछ भी हो यार, मुझे अनूप जी की इन बातों से उनकी इनसिक्योरिटी साफ नजर आ रही है। इसके बाद आपने देखा कि श्रीसंत सृष्टि करणवीर और शिवाशीष को अपने गेम प्लान के बारे में बताते हैं कि वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है आगे इस गेम को खेलने के लिए। और साथ ही वो ये भी बताते हैं, जब मैं वापस आ रहा था तो दरवाजे के पास खड़ा था, मैंने देखा कि दीपक रोता हुआ आ रहा है, तुम सभी दौड़े आ रहे हो लेकिन दीपिका जी वहीं खड़ी है, खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। उस वक्त बुरा लगा मुझे, छोड़ो यार उसे, फिलहाल उन्हें भूल जाते हैं। तुम्हें गेम की स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ, हम ये करेंगे कि एक एक करके सबको लेंगे, सबको अपनी साइड पे रखेंगे और करेंगे ये लड़कों की एक गैंग हो और लड़कियों की एक गैंग हो, उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनको हमेशा अपने साथ रखना है, लेकिन हाँ उनके किसी भी डिसीजन को नहीं मानना है। दीपिका जी को कैप्टन बनना है ना, लेकिन इस बार मैं कह दूंगा सॉरी दीपिका जी, नाउ इट्स माय टर्न, उन्होंने प्यार से मुझे यहाँ से निकाला, अब आप लोग देखना ऐसे ही धीरे धीरे प्यार से मैं उनका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगा। इसके बाद आपने देखा कि घर के सदस्यों में दीपिका को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, उनकी नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सब साफ तौर पर अपनी नाराजगी जता भी रहे हैं, जैसे रोमिल और सुर भी दीपिका की हरकतों को लेकर बातें कर रही हैं, दैट शी इज फेक, व्हाटएवर शी इज जस्ट डूइंग दैट इज रॉन्ग। दीपक ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि दीपिका फेक है, उनकी चोट फेक है, वो बस सिंपैथी के लिए सब कुछ करती है। जसलीन भी यही कहती है कि घर का अब हर एक सदस्य उसके खिलाफ है, अब अगर नॉमिनेशन की बात आएगी तो घर का हर एक सदस्य उसे नॉमिनेट करेगा। इसके अलावा दीपिका बताती है कि अब गेम का ये हालात हो गया है कि अब हमें इस गेम में हर किसी को हर दिन ब्लेम करना होगा, गेम में हर कोई अपनी गेम की स्ट्रेटेजी बनाता हुआ नजर आया, सब एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आए। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट की बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 30 की हाइलाइट्स। और अगर दोस्तों आप बिग बॉस 12 से जुड़ी हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।